आसिक अशरफ खान है, मेरा बेटा ईजान खान है, जिसका इंसिडेंट हुआ है वो मेरा बेटा है। दो साल हुआ, कब हुआ ये? वो शाम को 7:30 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया था, मैं बाहर था तो मुझे ऐसा ऐसा बच्चे ने चिल्लाया और कोई लेके चला गया, ऐसा कुछ मतलब बोले, हाँ ऐसा लगा, चला गया घूम गया। तो हम लोग आए ढूंढे, नहीं मिला बच्चा। डेढ़ घंटे के बाद पूरा बिल्डिंग छान मारे, पूरे बिल्डिंग में नहीं था, कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग लास्ट में दूसरे माले पे ये अपना इसके ऑफिस में गए, क्या नाम है, भरत से इनके इंडियन सोसाइटी के ऑफिस में गए। तो हम लोग वहाँ पे सीसीटीवी चेक करने गए थे, तो सीसीटीवी चेक करने के चक्कर में हम लोग वहीं पे खड़े थे, तो दीवार से हम लोग डक देखा, एक दूसरे माले से हम लोग को डक दिखा। तो उसमें हम लोग ने देखा, हम लोग बोले बहुत गंदा पड़ा है, उसमें देखे नहीं हम लोग ने, बाकी सब डक देख लिए थे। तो हम लोग लाइट जला के देख रहे तो कुछ दिख रहा नहीं है। फिर थोड़े देर से गौर से देखे ना हम लोग ने, तो थोड़ा पैर जैसा दिखा हम लोग को। तो हम लोग वहाँ का रास्ता पूछ रहे थे, वहाँ का रास्ता किसी को नहीं मालूम, ना सोसाइटी वालों को ना बिल्डिंग वालों को, किसी को भी नहीं मालूम है। तो हम लोग को थोड़ा डाउट, साथ में दोस्त भी थे, 7-8 लोग थे हम लोग। तो एक मेरा भाई था, वो बोला तो भाई तुमको भी कुछ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो फिर उसने ही आके नीचे ढूंढा जगह, तो वो आके देखा बच्चा मिला मेरा, 15 माले से सीधा नीचे मिला, ये कैसे हुआ? इसको इसमें किसको अब इसमें बिल्डिंग की भी गलती है, बिल्डर की भी गलती है और सोसाइटी की भी गलती है। अब वो किसकी गलती है वो मुझे पता करके चाहिए। मेरा ये बहुत, मैं ना अभी आप क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से यही मांगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें, इसका पता लगाएं कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, जो भी है प्लीज वो करें। इसका FIR चाहिए मुझे, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है। 2 साल का बच्चा था, ईजान नाम था उसका। उधर दीवार है, दीवार के ऊपर कुछ नहीं लगा है, 2 फीट की दीवार है, 2-2.5 फीट की, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है। वहाँ से हम लोगों ने देखा था बच्चे को। ठीक, ओके, चलो। सर, एक घटना घटा है, आपके बच्चे की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे की मौत? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा खेल रहा था, तो खेलते खेलते 10 मिनट में वो मेरा लड़का नीचे उतर गया था। फिर 10 मिनट के बाद में मेरी औरत ने फोन वोन करके लड़के को बुलाए, फिर सब लोग देखे, फिर आधा पौना घंटा तक बच्चे को पूरा बिल्डिंग में सब देखे, मस्जिद में ऐलान कराए, कहीं पर बच्चा नहीं दिखा। ऐलान कराने के 10 से 15 मिनट बाद बच्चा वो नीचे उसमें मिला, बेसमेंट में। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ जुम्मन खान। तो वो आपको क्या लगता है? नातू। नातू लगता है, हाँ। तो उस समय घर में कौन था? मेरी वाइफ नमाज पढ़ रही थी, बच्चा वहीं पर खेल रहा था, फिर बाद में बच्चा बाहर निकल गया। बच्चा बाहर निकला 5 मिनट के बाद में मेरी औरत ने सलाम फेरा, फिर ढूंढने आई, फिर गई अपनी लड़की के घर पे कि बेटा ईजान आया क्या? तो बोली नहीं अम्मी। तो बोले अरे सोई, सब लोग घबरा गए, फिर एक दूसरे को फ़ोन करने लगे, फिर लड़के को बुला लिए, फिर सब लोग देखे। तो बस हम न्याय चाहते हैं। हमारे ये साल में, 1 साल में 2-3 इसमें कांड हो गई है बिल्डिंग में। मैं तो इसमें लापरवाही किसकी? बिल्डर की लापरवाही है, और ये अपना मेंटेनेंस भी लेते हैं 1000 रुपये महीना, तो इनको भी लोगों का ध्यान नहीं है। अरे कुछ ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें CCTV लगा है? नहीं, खाली नीचे लगा है, लिफ्ट के पास में लगा है, कहीं पर भी नहीं है साहब। जिधर वो बच्चा गिरा उधर भी है? 3 फुट का वो था, 3 फुट का नहीं है, 2 फुट है। आ गए साहब, भी आ गए साहब। देखो ये जो झुग्गियाँ निकाल के ये बिल्डिंग ही बना रहे हैं, तो ये हाईकोर्ट ने खुद बताया कि खड़े में अभी झुग्गियाँ, खड़ी झुग्गियाँ या गवर्नमेंट तैयार कर रही है, और बिल्डर लोगों का फ़ायदा करने के लिए सब हो रहा है। मगर जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें जो बेसिक नीड्स है वो कुछ प्रॉपरली दिया नहीं जाता, उसके वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग में 3रा हादसा हो गया है, और जिस तरीके से हादसा हुआ, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा हम गुजर गया है, बहुत दुख की बात है।
तो सरकार ने और ख़ास करके SRA की जो ये जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये बिल्डिंग को OC देने के पहले और सेल बिल्डिंग को अलाउ करने के पहले यहाँ प्रॉपर फैसिलिटी मिलती कि नहीं है? क्योंकि ये आजकल तो SRA की इतनी बिल्डिंग मैंने देखी है कि 10 साल में वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो जाती है कि उसको वापस रिपेयर करने के लिए वहाँ रहने वालों को पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये जो सरकार को ये SRA और SRA को ये जो बिल्डिंग ही बना रहे उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए कि इसका कामकाज, क्वालिटी ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क और फिर उसमें फैसिलिटी, ये सब तय करना चाहिए और बाद में ये बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। नहीं तो आज ये मिस पहले हमारे रास्ते पे झुग्गिया थी, अभी ये खड़े पे झुग्गिया हो रही है, ऐसे हो रहा है। सर कुठे तरी अशा प्रकारे हे जे होत आहे त्याच्यामध्ये एक लहान चिमुकल्याचा जीव ह्याच्यात गेलेला आहे, तर आता कुठेतरी एक चौकशीची मागणी सध्या कुटुंब करतंय, काय सांगा? नाही, माझं म्हणणं आहे की ह्या संपूर्ण SRAच्या चौकशीची मागणी झाली पाहिजे, कारण ज्या पद्धतीने या मुंबईमध्ये बिल्डिंगा होत आहेत SRAच्या आणि त्याची क्वालिटी आपण जर बघितली तर या उभ्या झोपड्या बनवतात असं हायकोर्टाचं सुद्धा म्हणणं झालेलं आहे, आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये बिल्डिंग बनवायच्या आणि झोपडपट्टीवाला द्यायच्या अशा पद्धतीची लापरवाही इथे दाखवली जाते, आणि त्यामुळे SRAच्या अथॉरिटीने स्वतःचं एक इथे कंट्रोल पॅनल असायला पाहिजे की क्वालिटी ऑफ वर्क, कारण ह्या बिल्डिंग कमीत कमी 25-30 वर्ष तरी टिकल्या पाहिजेत। आज 10 वर्षामध्ये ह्या बिल्डिंग पडायला येतात, उद्या अपघात होतात, कोणाचं प्लास्टर पडतं आहे, कोणाचं स्लॅब पडतं आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि त्यामुळं हे जे काही बिल्डर्स आहेत, लँड हे माफिया आहेत, हे अशा पद्धतीने झोपड्यांचे SRA स्कीम बनवून त्याच्यामधून ह्या बिल्डिंगी ताबडतोब बनवून मोठे मोठ्या मग जंगी टॉवर्स उभारले जातात आणि गरीब झोपडपट्टीवास्यांना म्हणजे खऱ्या अर्थानं म्हणजे आता ह्या 15-20 माळ्याच्या बिल्डिंगी बनतात, त्यांचे लिफ्ट मेंटेनन्स होत नाहीत, व पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो, एवढे मोठे प्रॉब्लेम झाले आहेत लोकांना की आम्ही झोपडपट्टीत होतो ते बरं वाटतं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आणि त्यामुळे सरकारने यावरती ताबडतोबीने ॲक्शन घ्यावी अशी माझी डेवलपर है उसका ऊपर पता लगाइए। तो सोसाइटी ने अपना काम किया, पिछले भी एक महीना पहले भी ये लेटर डाला, उसका काम करो, जो खुला है उसका काम करो, तैयारी नहीं मानी करता है, उसके जो समझ में आता है वो करता है। इससे पहले भी सोसाइटी ने बहुत सारे लेटर डाला है, ये पिछले महीने 8 तारीख को ये बाई पोस्ट भेजा है डेवलपर को, तो डेवलपर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उसको कुछ काम नहीं हो रही है। हाँ, तो और कितनी जानी जाएगी, और कितनी जानी जाएगी पता नहीं सर, ये 3-4 हादसा हो चुका है सर, लेकिन 2017 का प्रोजेक्ट है सर ये, ना ये सारे सुन रहे हैं, प्रोजेक्ट है 17-18 साल हो गए इसको, आगे क्या सर? ये जो कल का जो इंसिडेंट है ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत निंदनीय है, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। पहले इसके पहले 7 माले से एक बच्चा गिरा था, वो 5 माले पे आके अटक गया था, उसकी जान बच गई। इसके बाद में फिर एक बच्चे के ऊपर से लकड़ा गिरा, उसके ऊपर FIR भी हुई, अभी ये बच्चे की जान चली गई है। तो ये जो बिल्डर है सोसाइटी के बोलने से या किसी के बोलने से कुछ भी बोलता नहीं, कुछ भी करता नहीं है, हम लोग बोल बोल के थक गए। इसमें पूरा कैमरा नहीं लगाया है नीचे, खाली सिर्फ कैमरे ग्राउंड फ्लोर में बहुत बोलने से लगाया, कहीं कैमरे का कुछ ये नहीं है। जो स्पेस खुला हुआ है उनको बार बार बोला गया कि भाई ये जो कभी भी कोई बच्चा या कोई हानि हो सकती है वो सब नहीं करता है वो, सोसाइटी हैंडओवर नहीं किया अभी तक, उनका ऊपर काम चालू है। पार्ट OC है 7 लिफ्ट है जिसमें से सिर्फ 1 या 2 लिफ्ट चालू होता है। अगर कभी किसी को कोई मरीज होता है, अगर कोई लाएगा बच्चे को नीचे ना, तो रास्ते में उसका दम निकल जाएगा, कुछ पहुँचने वाला नहीं आदमी। पत्र दिया है क्या? हमने पत्र दिया उनको, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं बिल्डर को इस काम के बारे में। 2 सोसाइटियों ने लेटर दिया था कि भाई ये जो भी काम है वो पूरा करो उसको। मुख्यमंत्री जी से क्या उधर से अभी तक वहाँ से भी कोई रिप्लाई हम लोगों को सही ढंग की मिली नहीं है। तो कोई इधर के SRA में जो MLA ने कुछ सर नहीं SRA ने जो भी SRA में जो पेपर आते हैं ना SRA उनको दबा देता है पूरे पेपरों को, हम लोगों को उसकी रिप्लाई मिलती नहीं जाने जा रही है। तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार बिल्डर है और इसका जिम्मेदार प्रशासन है, जो क्योंकि अभी सर कुछ भी हो सकता है, अगर आप इसमें प्रशासन या पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है तो इसमें और भी जाने जा सकती है। से क्या कार्रवाई की? हमारा पुलिस से कार्रवाई की, ये 302 का मुकदमा, इसमें धारा लगनी चाहिए बिल्डर के ऊपर, ताकि उसको ये आगे के लिए संज्ञान मिले कि भाई आगे इस तरह का हादसा नहीं हो, दूसरे कोई किसी तरह का इंसिडेंट नहीं हो, किसी बच्चे की या बड़े की जान नहीं जाए। अगर ये घटनाएं रुकी नहीं, अगर एक्शन नहीं लिया गया, तो आप तमाम पूरे बिल्डिंग के लोग, सोसाइटी के लोग आगे की
आगे का कदम आपका क्या होगा? आगे का कदम हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, हम लोग पुलिस चौकी में मोर्चा लेके जाएंगे यहाँ से, और मुख्यमंत्री साहब के पास में जाके हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, आप देखोगे तो वत्सलाताई नगर में जो मास ग्रुप जो डेवलपर है उनके माध्यम से जो वहाँ पर SRA की बिल्डिंग जो बनाई गई थी, जरूरत तो एक महीने पहले ही उनका वहाँ पर वो अलॉटमेंट दिया और अब तक सोसाइटी ने हैंडओवर भी नहीं किया। आप देखोगे तो वहाँ पर बिल्डर ने जो चीज़ें सेफ्टी वॉल्स या सेफ्टी जो मेजर्स वो फॉलो करने चाहिए थे वो फॉलो नहीं करने के कारण एक बच्चा 2 साल का वहाँ पर 13 फ्लोर से गिर गया, 15 फ्लोर से गिर गया और उसकी जान गई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। आप देखोगे तो SRA में जो बिल्डिंग बनाई जाती है ये बिल्डिंग का आप स्वरूप देखोगे तो वहाँ पर कोई आदमी रह भी नहीं पाता है, कोई सेफ्टी वॉल्स नहीं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, भेड़ बकरी जैसा लोगों को वहाँ पर घुसा दिया जाता है, उनको वहाँ पर पुनर्वसन के नाम पर उनको वहाँ पर भेड़ बकरी जैसा वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है। और इसी की वजह से बिल्डर की वहाँ पर जो इग्नोरेंस पार्ट है उसके चलते वहाँ पर उस बच्चे की जान गई, मृत्यु हुआ। सर, हमेशा देखा जाता है बिल्डर अपने फायदे के लिए लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करता है, लेकिन ऐसे लोगों को उसका काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर किसी भी तरीके का सुविधा नहीं, नीचे बेसमेंट में अगर देखा जाए तो एक नाले का स्वरूप बन चुका है, लाइट्स नहीं, कुछ भी नहीं है। अब यह घटना वहाँ पर हो सकती है, आप जिस तरह से अलग अलग घटनाएँ हो रही है तो वहाँ पर भी घटना हो सकती है, लेकिन घटना होने के बाद ही प्रशासन हो या हर कोई जाग जाता है, आंदोलन करता है, क्या कहना है? प्रशासन को एक्चुअली ये पता नहीं ये बातें दिखती है भी या नहीं है। आप देखोगे तो 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है कि जो बिल्डिंग SRA में बनती है वो कितने भद्दे तरीके से बनती है, लोगों को किस तरीके से उनका पुनर्वसन किया जाता है, उनकी ज़मीनी हड़प की जाती है और वहाँ पर बिल्डर की बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर आलीशान मकान बनाया जाता है। ये कौन सा पुनर्वसन है? ये परमानेंट पुनर्वसन नहीं है, ये टेम्पररी पुनर्वसन है हम ये कहेंगे। आज जिस बच्चे की वहाँ पर जान गई है वहाँ पर उसके संदर्भ में हम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस स्टेशन में हम लोग ने जो पुलिस ऑफिसर है उनका सहयोग मिला, उनको हम लोग ने ये कहा कि उस बिल्डर पर 304(2) ये सेक्शन वहाँ पर लगाया जाए। अगर हम देखते हैं तो खाली इग्नोरेंस का सेक्शन लगाकर बिल्डर वहाँ पर टेबल जमीन लेके फरार हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको एक सबक सिखाना है, इनको हमारी जान से खिलवाड़ अगर नहीं करने देना है तो उसके ऊपर एक स्ट्रिंग एक्शन, एक मजबूत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन सभी भाइयों के साथ हम यहाँ पर आए और पुलिस को हम लोग ने स्टेटमेंट दिए, जल्द से जल्द पुलिस इस पर FIR फाइल करेगी।